एक नजर डालते हैं टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर, क्योंकि आज अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में स्टार्टिंग विद द हैवी वेट टाटा मोटर्स डीवीआर पर तो रुझान है ही अच्छा। टाटा स्टील पर भी हमने देखा इंटरेस्टिंग मूव है। जो बाकी स्टॉक्स हैं इसमें आप देखिए टाटा कॉफी, टाटा केमिकल्स, इन काउंटर्स पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा TRF, टाटा मेटालिक्स, टाटा स्पॉन्ज, टाटा कम्युनिकेशन, सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आउटसाइड द इंडेक्स जो मिड कैप स्टॉक्स हैं अविनाश, उसमें अगर कोई स्टॉक आपको टाटा ग्रुप का पिक करना हो तो वो कौन सा होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि टाटा स्पंज डेफिनेटली अच्छा इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा। मुझे लग रहा है कि क्लियरली जिस प्रकार के नतीजे अभी क्वार्टर फोर में आए और आगे जिस प्रकार के स्टील प्राइसेस की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है मीर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस अच्छा दिख रख सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी करीबन 15-18% का अपसाइड ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स पॉसिबल है। तो मेरी राय में टाटा स्पंज का रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। निफ्टी के 60 अंक ऊपर अब 7866 की ट्रैजेक्टरी में, तो अपने फर्स्ट सप्लाई जोन को टेस्ट करता हुआ निफ्टी यहाँ पर और लगभग 3/4% देखें कारोबार कर रहा है ऊपर। मसीन साहब, एक शुरुआती जो 15 मिनट है वो बाजार के फेवर में है, बुल्स के फेवर में है, आप निफ्टी लेकर यहाँ पर लॉन्ग करना चाहेंगे 7866 पर या किसी और स्टॉक को? और वो स्टॉक अगर है, अगर आप स्टॉक को प्रेफर करेंगे तो कौन सा होगा? नहीं, निफ्टी में हमारा अगर अभी तो बिकॉज इस रेंज बाउंड अगर पैर बनाना है तो बैंक निफ्टी लेके निफ्टी बेच दीजिए या निफ्टी और बैंक निफ्टी का कर सकते हैं। बैंक निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म लास्ट 2 दिन से, हमें लगता है आज शायद आउट परफॉर्म करे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सम ऑफ द PSU प्राइवेट बैंक। तो आप बैंक निफ्टी लॉन्ग होके निफ्टी शॉर्ट बना सकते हैं एक पैर, उसको आप 4-5 दिन के लिए रखिए, आपको 2% तक का स्प्रेड। अगर शेयर मैंने लेना है तो टाटा स्टील, मुझे लगता है इट्स कंसोलिडेटेड और 2 दिन से नीचे भी आया है, 345 ब्रेक नहीं किया, 335 का स्टॉप लॉस रखिए, लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 365-370 जो हमें लगता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज जरूर आपको मिल जाना चाहिए। तो टाटा स्टील वुड बी माय टॉप पिक। चाइना मार्केट इज ऑल्सो रिबाउंडेड वेरी स्ट्रांगली एंड वी थिंक रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मेटल्स ऑन द बैक ऑफ वीक डॉलर शैड प्ले आउट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। बिल्कुल, चलिए संजीव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अविनाश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है SBI पर भी। कल इन्होंने हालांकि 5 बेसिस पॉइंट से ही कटौती की है, लेकिन ये जो MCLR लागू हुआ है उसके बाद से हर महीने इन्होंने ग्रेजुअली 5 बेसिस पॉइंट 10 बेसिस पॉइंट की ट्विकिंग कर करके जो ब्याज की दरें हैं उसे घटाया है। तो जो मिनिमम लेंडिंग रेट है वो अब 9.15 हो चुका है और इफेक्टिव जो लेंडिंग रेट है SBI का वो 9.40 हो गया है। इसके बाद SBI करीब 0.25% ऊपर। पंकज, अमॉन्ग द PSU बैंकिंग स्पेस वुड यू लुक एट स्टॉक्स विद इन द निफ्टी बास्केट या फिर उसके बाहर के स्टॉक्स देखेंगे आप? क्लियरली आज के दिन हमारा PSU पर अंडरवेट स्टैंड है और कॉशियस स्टैंड है। हमें लगता है कि NPA वरीज एक दो क्वार्टर और रहेंगे और जिस तरह सम ऑफ द कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के जो नतीजे आए, उन्होंने जो वॉच लिस्ट डिक्लेयर किया है वो काफ़ी यू नो कॉशियस स्टांस को वेंडिकेट करता है जो हम लोग काफ़ी 1-1.5 साल से कैरी कर रहे हैं। इवन अगर PSU स्पेस में हमें जाना भी है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो लार्ज कैप PSUs ही देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर छोटे वालों को कैपिटल की काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस इस बार जो ज्ञान संगम हुआ था गवर्नमेंट का, उन्होंने क्लियरली एक एजेंडा था कंसोलिडेशन ऑफ PSU बैंक्स। आने वाले दिनों में ये देखना है कि ये कैसे कंसोलिडेशन को आगे बढ़ाते हैं, बट क्लियरली लार्ज कैप PSU बैंक्स में ही रहना चाहिए बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड वहीं फेवरेबल होंगे और यहाँ पर आने वाले दिनों में छोटे PSU बैंक्स को कैपिटल की प्रॉब्लम हो सकती है। जी चलिए और कुछ स्टॉक्स देखिए एक बार, जरा मैं चलता हूँ अब टॉप ट्रेडेड काउंटर्स, जरा प्लीज़ एक बार टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी में आइए, वहाँ पे सबसे अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ अगर कोई स्टॉक आज स्ट्राइक कर रहा है विद मैक्सिमम वॉल्यूम्स परसेंटेज गेनर्स के लिहाज से तो वो है CCL प्रोडक्ट्स, 13% ऊपर, क्या शानदार इजाफा है। रिलायंस डिफेंस में अब तक करीब 13,90,000 शेयर का कारोबार हो चुका है, करीब 4.5% ऊपर है। खैर, हमारे साथ अब इस वक्त बात करने के लिए यस सिक्योरिटी से बात करने के लिए मिस्टर कपिल बाली हैं और साथ ही साथ HDFC के नतीजों बात करने के लिए मिस्टर KK मिस्त्री भी हमारे साथ हैं, CEO HDFC के। मिस्टर, एग्जैक्टली अगर आप देखें जो बाकी नंबर्स थे और
प्रोविजनिंग जो है वो इस वक्त इस बार काफ़ी अगर आप देखें बड़ी है, करीब 521 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा रहा है। एग्जैक्टली सर जो सर्कमस्टेंसेस हैं एसेट्स क्वालिटी को लेकर वो कितने हैं और आगे जाके जो जो अगले क्वार्टर्स हैं आई मीन FY17 का फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर वहाँ स्लिपेजेस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? अभी ये साल का अगर आप प्रोविजन देखने गए तो फॉर द होल ईयर वी हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 715 करोड़ रुपीस। 715 करोड़ में तीन कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट है 450 करोड़ का जो वन टाइम प्रोविजन हमने बनाया, वी क्रिएटेड बिकॉज स्टैंडर्ड लाइफ की प्रॉफिट आ गई, 1500 करोड़ की प्री टैक्स प्रॉफिट थी, 30% जो 1500 करोड़ का होता है इस 450 करोड़, तो 450 करोड़ का प्रोविजन किया। सेकेंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इज ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स, रेगुलेटरी प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स। अभी रेगुलेशंस क्या है इंडिया में कि अगर आप नई लोन, इफ यू डू अ न्यू लोन इन अ ईयर, देन ऑन एवरी इंक्रीमेंटल लोन दैट इज गिवन देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग दैट यू नीड टू कैरी अगेन एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। इंडिविजुअल की लोन अगर होगी तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इज 0.40%। नॉन इंडिविजुअल लोन अगर होगी तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कैन गो अप टू 1%। तो ये दोनों मिला के बेस्ड ऑन दी एसेट्स, न्यू एसेट्स दैट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू डू 170 करोड़ ऑफ प्रोविजनिंग। तो जो 715 करोड़ की जो टोटल प्रोविजनिंग है साल में, उसमें से 450 करोड़ इज ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ द वन टाइम प्रोविजनिंग, 170 करोड़ इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एसेट्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बाकी जो है इज इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। राइट, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर मिस्त्री अगर देखा जाए जो ग्रॉस एनपीए है वो स्टेबल थी अराउंड 0.72% के मुकाबले 0.70%। आप आगे चल के एसेट क्वालिटी स्टेबल होती देख रहे हैं या फिर इंप्रूव होती देख रहे हैं? सी देखिए, फ्यूचरिस्टिक कमेंट्स करना थोड़ा मुश्किल है। वी आर नॉट सीइंग टुडे व्हिच विल गिव अस टू मच ऑफ वरी दैट देयर इज गोइंग टू बी एनी सडन शार्प स्पर्ट इन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, बट फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट करना भारी है। 3 years ago, we had a developer loan which became a non-performing loan. We went through a process of acquiring the property under SARFAESI. वो property को auction किया, auction करने के बाद we got back the principal amount, the interest amount, penal interest, सब कुछ मिल गया. But 3 quarters के लिए non-performing loan number went up. So it's difficult to put a number to to make a future statement on non-performing loans, but जो individual category है, which is now today 73% of our balance sheet, is उसमें the non-performing loan number is a lot more predictable, and there we don't see any significant change. Okay, so exactly मैं जब segment wise आपके numbers देखा था, चाहे वो general life insurance कारोबार हो, asset management कारोबार हो, loan कारोबार हो, हाँ सब में आप देखें अच्छे-अच्छे ग्रोथ रही है, ट्रेजेक्ट्री काफ़ी अच्छी रही है आपकी ग्रोथ की। एग्जैक्टली FY17 के फर्स्ट क्वार्टर को लेकर मैं सिक्वेंशियली अगर आपकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस को समझने की कोशिश करूं तो आप क्या देख रहे हैं, मैं ग्रोथ कहाँ ज़्यादा अच्छी रहेगी और सेकुलर ग्रोथ मानते हैं या फिर कुछ सेगमेंट्स ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं? अच्छा, आप अगर इंडिया को हाउसिंग लोन के बारे में अगर देखें तो देर इज़ अ स्ट्रक्चरल डिमांड फॉर हाउसिंग इन इंडिया। Structural demand comes because of 3 reasons. The first reason is that that housing in India, a lot of people who buy houses in India today are around 37, 38 years of age. The average age of a first time home buyer is 38 years, 38 साल की उम्र. 65% जो इंडिया की population है is below 35 years of age. So with such a large young population, all the 65% of the population will at some point of time over the next few years need housing and therefore housing loans. So that is one reason. Second is penetration levels. Agar aap dekhne ko gaye, to outstanding housing loans are 9% of GDP. Agar aap West mein yeh ratio dekhne ko gaye, to it will be close to 60% plus. आप एशिया में अगर ये रेशियो देखने को गए इट विल बी क्लोज टू 20%, इंडिया इज ओनली 9%। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है इट्स वेरी हाई। और थर्ड रीजन जो है इज द थ्रस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन ऑन हाउसिंग, द हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। कितने सारे स्कीम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, कितने सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ऑल ऑफ विच विल गिव एन इम्पेटस टू हाउसिंग। आपको पता है कि ये साल में द इंटरेस्ट बेनिफिट एंड द टैक्स, द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल बेनिफिट ऑन हाउसिंग लोन्स जो टैक्स के लिए जो मिलती है, दैट दोज लिमिट्स हैव बीन एनहांस्ड। तो ये सब कारण के लिए वी फील दैट द ग्रोथ विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। द सेकेंड गाइडेंस वी गिवन टू द मार्केट इज ऑन स्प्रेड्स। अगर आप लास्ट 10 साल के इवन मोर
if you go to see, our spreads have ranged between a low of 2.20 to 2.35. Current level of spread is 2.29. Or is waqt we see nothing on the cards which will make us believe that spreads will go outside this range. Bilkul. Mr. Mistry, halaki board ne hal hi mein HDFC Life ke IPO ko manzoori di hai, but can you detail a bit, kab tak aa sakta hai, kya umeed hai? See, IPO के लिए हम लोग ने एक एक दो हफ्ते पहले अनाउंस किया है. सो द प्लान इज नाउ अंडर वे टू स्टार्ट लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स विच नीड टू बी डन. टिल द लास्ट 10 डेज और सो वी वर टाइड अप विद HDFC बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ, तो आज खत्म हुई. नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अपॉइंटिंग द बैंकर्स, अपॉइंटिंग द लॉयर्स, गेटिंग द डॉक्यूमेंटेशन डन. डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी चीज करनी है. A lot of the preparatory work has already been done by the insurance company, but obviously the full documentation still has to be done. Ek baar documentation complete, this is completed, we will then file with the insurance regulator and with SEBI. How long approvals will take, kehna mushkil hai, but our expectation is that in the last quarter of the calendar year, we should be hopeful of doing an IPO. मिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और HDFC के नतीजों पर बात की आपने और FY17 के फर्स्ट क्वार्टर को लेकर अपना आउटलुक शेयर किया. बहुत बहुत शुक्रिया.